हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सबके लिए हम एनटीपीसी का स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, तो उसी सिलसिला में ये पहली कड़ी है। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। और आपको हम बता दें कि एनटीपीसी के लिए हमने जो प्लान किया है, जो बैच लेकर आपके लिए आए हैं, उस बैच का नाम हमने रखा है मिशन एनटीपीसी बैच 2020। और ये बैच आपका 19 सितंबर से 10 दिसंबर, यानी कि टोटल आपको 80 दिन होते हैं, लगभग आपको 80 दिन होंगे, यानी कि टोटल 80 क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। 80 क्लास मैथ के लिए कम नहीं होते हैं। 80 क्लास में हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग मैथ को पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी बेसिक से, और प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस बैच को लेकर आने का मेन मोटो ये है कि भाई आपको CBT 1, जैसे कि आपको पता भी होगा CBT 1 जो पहला पेपर होने वाला है, CBT 1 जो पेपर होने वाला है, जिसमें मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। तो मेरा मेन मोटो ये है कि 30 में 30 नंबर लाना है, एक नंबर भी आपको कम नहीं होना चाहिए। मेन टारगेट ये है कि भाई हम लोग इतने ढंग से, या फिर इतने शानदार, या फिर इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग मैथ पढ़ेंगे कि हमको या हमें 30 में 30 नंबर प्राप्त हो। मेन टारगेट हमारा यही रहेगा। और इस चैनल पर आपको जो हम मैथ पढ़ाएंगे वो एग्जाम के लेवल को, एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, वो हम पढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम का लेवल कुछ और है और आपको पढ़ा दिए कुछ और, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने पेपर को एनालाइज किया है कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के आधार पर। अगर हम रेलवे में मैथ की बात करें, मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करें, तो बिल्कुल आपको जो है ना इजी पूछा जाता है, और नहीं ज़्यादा आपको हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन, जो भी आपको जो है टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, वो बेसिक से स्टार्ट करते हुए जो रेलवे का लेवल होता है उस लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे, उससे दो कदम हम लोग आगे रहेंगे। वो इसलिए कि एग्जाम का लेवल अगर टफ भी होता है तो हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो जो एग्जाम का लेवल है उससे हम लोग दो कदम आगे रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है मन में ये भ्रम पाल लेते हैं कि भाई हमको अगर मैथ में 30 में 30 लाना है तो हमको बिल्कुल हाई लेवल से पढ़ाई करनी होगी, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप अगर आप मैथ में आप बिल्कुल हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो समझिए कि आप अपने समय और अपने एनर्जी को एक तरह से लॉस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में बिल्कुल हाई लेवल के प्रश्न नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं कि प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको जो है हम इस चैनल पर आपको हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्लानिंग यह है कि टोटल जो ये 80 दिन है, 80 दिन में मेरा मेन प्लानिंग ये है कि आपको जो है लगभग 60 डेज, यानी कि लगभग आपको 60 दिनों में, 60 डेज में जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस का हम अभी चर्चा करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए, और बाकी के जो आपको समय बचता है, बाकी के आपका जो भी आपको बचता है 20 दिन, या फिर जो भी आपका जो है 25 डेज जो भी आपको बचता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि भाई 60 दिनों में, टोटल 60 डेज में हम लोग पूरे मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम मैथ के सिलेबस की बात करें तो आपको पता होगा कि एनटीपीसी या फिर रेलवे के एग्जाम में जो आपका मैथ का सिलेबस है उसमें दो सेक्शन है, एक आपका अर्थमेटिक का है और एक आपका एडवांस का है। अब हम अर्थमेटिक और एडवांस के जो टॉपिक है उन पे हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा।
तो देखिए अर्थमेटिक में जो सिंपल आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वही यहां पर भी है। इसमें पहला आप चैप्टर ले सकते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो है कई छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहां से प्रश्न आपको देखने को रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें देखने को मिलता है। फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया जिसको हम लोग भिन्न एवं दशमलव भिन्न कहते हैं। यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक बोला जाता है हिंदी में। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या हो गया, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। अब जो है हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा एग्जाम में उससे हम लोग दो कदम आगे रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और एक बात आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप वीडियो को देखें तो कलम और कॉपी लेकर आप जरूर बैठे हैं जिससे कि आप अपना एक नोट्स तैयार कर सके। एक सिस्टम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि भी कभी कुछ पढ़ लिया। एक स्टेप जो हमको डालना है वो सोच समझ कर डालना है क्योंकि सभी कम है, कम समय में हमको शानदार ढंग से तैयारी करना है। और इस बार बार आपको हम बोल ही रहे हैं कि भाई इस बैच को लाने का मेन मोटो ये है कि आपको हम 30 में 30 नंबर, 30 में 30 यानी कि 30 में 30, एक नंबर भी कम नहीं लाना है, 30 में 30 नंबर हम लोग ला सके इसके लिए हम इस बैच को लाए हैं। पूरा कंप्लीट एकदम शानदार तरीके से चीजों को हमको पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद से हमारा अगला टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग सरलीकरण कहेंगे, हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग जो है सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक पढ़ेंगे, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लाभ हानि एसआई एंड सीआई। इसके साथ साथ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात में जो समानुपात वाला सेक्शन होता है यहां से प्रश्न देखने को कम मिलते हैं, लेकिन अनुपात से आपके एनटीपीसी या फिर रेलवे के जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्न अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से प्रश्न आपको जो है ज्यादा फंसते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क, समय एवं काम, और इसी का पार्ट होगा पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम्स। उसके बाद अगला चैप्टर होगा एज प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें टाइम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपका, हालांकि हम लोगों के ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम इसी में पढ़ा देते हैं लेकिन यहां पर इस बार हम आपको अलग करके पढ़ाने वाले हैं। अगला आपका चैप्टर इसमें होगा ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं उसको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे, और इसी का पार्ट होता है टाइम स्पेस स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम, तो इसको भी हम लोग अलग करके पढ़ने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में नाव एवं जलधारा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखने को मिलेगा, यहां से भी सवाल फंसते हैं बनते हैं। यह आपका रेलवे का सिलेबस है, एनटीपीसी का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। और साथ ही साथ आपके एनटीपीसी या फिर रेलवे के एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल ग्राफ होता है, अगर आपने परसेंटेज ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उसको अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। तो कंप्लीट हम लोग एकदम कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। ये आप कहोगे अर्थमेटिक सेक्शन, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई एक बार हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या आपके एग्जाम में टॉपिक है, कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर आगे चर्चा करते हैं। ये अर्थमेटिक सेक्शन की हमने चर्चा की, इसके बाद एडवांस सेक्शन में कहां कहां से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको कवर किया जाएगा, इसकी अब हम लोग बात करते हैं। एडवांस मैथ के सेक्शन की बात करें तो एडवांस मैथ में जो आपके एग्जाम में या फिर जो आपका एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए एडवांस मैथ, तो इसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री,
जिसको हिंदी में आप त्रिकोणमिति बोलते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक होंगे, टेंथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेन चीज ये है कि भाई आप उसको बनाते कैसे हैं, कितने कम समय में आप बना पाते हैं, मेन चीज ये है, बिल्कुल बेसिक होगा। साथ ही साथ आपको बेसिक मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, बेसिक क्षेत्रमिति से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको बेसिक आपका ज्योमेट्री का शिक्षण होगा, और ये बेसिक के अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा हम लोग कवर करेंगे। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है आपके सिलेबस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं रखा गया है। इसके बाद भी अगर समय बचता है लास्ट में तो हम लोग कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हल्का फुल्का देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमको देखना है परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक हैं जो एडवांस के थ्रू हम लोग देखेंगे, एडवांस मैथ के थ्रू। हालांकि इसको हम लोग अर्थमेटिक में ही रखते हैं, उधर छूट गया था तो हमने यहां पे लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये सारे टॉपिक हमको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको एक और है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी जिसमें आपको माध्यमादिका और बहुलक वाले प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो इन सारे टॉपिक को, इन सारे चैप्टर को हम लोग बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि इनमें से अब इतने सारे चैप्टर हो गए, अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां पे, या फिर जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा फंसते हैं। तो देखिए, कोई भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक का हो या फिर एडवांस का हो, कोई आपको बता नहीं सकता है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। अब एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछा जाएगा इसका कोई अता पता नहीं होता है, सच्चाई तो यही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक चैप्टर को शानदार ढंग से, बेहतरीन तरीके से, जो एग्जाम का लेवल है उस लेवल तक तैयार करना होगा। आपको हमने बार बार बता रहे हैं कि आपका मेन मोटो होना चाहिए कि भाई 30 में 30 लाना है। कंपटीशन का लेवल आपको पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है, आपको भी पता है, और इस बार आपको कट ऑफ पहले की अपेक्षा हाई जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि भाई दिन प्रतिदिन किसी भी एग्जाम का कट ऑफ पहले की अपेक्षा ज्यादा जा रहा है। तो आप जितने बेहतरीन ढंग से मेहनत कर सकते हैं, जितने बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उतना ही आपका बेहतरीन नंबर आएगा और उतना ही ज्यादा आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। तो हम तो ये कहेंगे, हमारी सलाह ये होगी कि आप किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी टॉपिक को कम ना आके, अब कहां से सवाल आ जाएगा ये कोई ठीक नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो आपके सिलेबस में चैप्टर या टॉपिक नहीं दिया हुआ होता है वहां से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को तैयार करके ना जाएं, जो भी सिलेबस में है सबको पढ़ के जाएं, एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करके जाएं। और चूंकि मैथ की हम बात कर रहे हैं, मैथ में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आपको 30 में 30 लाते हैं, 50 में 50 लाते हैं। मैथ के साथ साथ आप रीजनिंग में भी 30 में 30 ला सकते हैं, 50 में 50 ला सकते हैं। यही तो सेक्शन है जहां पर स्कोर होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, और आप इन पर बेहतर ढंग से मेहनत कर लिए तो आप समझिए कि आप इसमें पूरा का पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं।
बाकी आप साइंस वगैरह जीके जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन वहां पर एक दायरा होता है, लिमिटेशन होता है कि आप इसके बाद आप मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, मार्क्स हासिल आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ का, जितना उसमें क्वेश्चन पूछा गया, जितने नंबर का है उसमें, उतना में उतना आपको मिल जाएगा। यही मैथ की या फिर रीजनिंग की खासियत है। तो आप यहां पर एक नंबर भी चूक होते हैं या फिर चूक जाते हैं मैथ में, तो समझिए कि यह आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन सकता है। हो सकता है कि भाई वो आपके सिलेक्शन के रास्ते में भाई बहुत बड़ा रोड़ा बन जाए। तो आपको इतने शानदार ढंग से मेहनत करना है कि यहां पे आपको 30 में 30, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि मेन टारगेट क्या है कि भाई 30 में 30 नंबर लाना है, 30 में 30, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, मेन टारगेट ये है। इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग के। अब देखिए आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ आपके हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। जब भी चैप्टर कोई खत्म होगा, जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, उनका हम प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैनल पर। पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद टेस्ट हम लोग लेंगे ही, मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ साथ हम लोग मिक्स चैप्टर का भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका परसेंटेज पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए, तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स करके आपका हम टेस्ट ले लिए, प्रैक्टिस करा दिए। SICI पढ़ा दिए, परसेंटेज पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए, तो उनको मिक्स करके आपका हम टेस्ट ले लिए, प्रैक्टिस करा दिए। तो ऐसे हम चैप्टर को मिक्स करके भी आपका हम प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको जो है किसी प्रकार का, मतलब कि आज कोई बच्चा पहली बार मैथ की शुरुआत कर रहा है तो उसको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो पहले से पढ़ा है उसको तो और मजा आएगा। तो एकदम शानदार ढंग से, बेहतरीन तरीके से, और हमने बताया ही आपको कि 80 टोटल दिन है, 80 क्लास आपका मैथ के लिए हमने प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है, जिसमें से मेरा प्रयास रहेगा कि 60 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए, और बाकी का जो दिन बचता है, बाकी का जो समय बचता है, उसमें हम लोग कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस करेंगे सारे चैप्टर्स को मिलाकर। तो हर एक चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, कम समय में एकदम शानदार तैयारी, बेहतरीन तैयारी करनी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। कल से एकदम डेडिकेशन के साथ हम लोग एकदम डेली वीडियो आपको मिलेगा, डेली आपको वीडियो एक मिलेगा मैथ का, ये हमारा दावा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू वेट कीजिए, आपको डेली हम आपको वीडियो देंगे, वो भी शानदार तरीके से, बिल्कुल आपको जो है बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाने की मूड में हैं, एकदम हम तो लग गए हैं एकदम एनर्जी के साथ। अब आप अपना सोच लीजिए कि भाई आप अपने एनर्जी को पूरा मतलब कि लगा पा रहे कि नहीं, एनर्जी के साथ आपको लगना है। तो चलिए, आज हमने केवल आपको यही संदेश दिया कि भाई कैसे आपको पढ़ना है। और देखो भाई, यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि मैथ आपका पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल आप वीडियो देखेंगे तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपसे हम बार बार बोल रहे हैं, एक बात पहले भी ये बोले कि भाई आप जब भी पढ़ाई करने बैठे, जब भी आप वीडियो देखें, तो आप अपना एक कॉपी और कलम, यानी कि आप नोट कॉपी कलम लेकर आप जो है अपना नोट्स तैयार करें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो। देखिए, हमको क्या करना है कि पढ़ाई के साथ साथ नई चीज़ों को सीखना तो है ही, साथ ही साथ हम लोग रिवीजन भी करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग को बाद में रिवीजन करने का समय नहीं बच पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम आपको हमने पढ़ा दिया, तो अब करना क्या है कि नंबर सिस्टम में जो भी कंसेप्ट है उसको तो हमने आपको जो है सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा दिया, बता दिया, अब उसको बाद में रिवीजन करने वाले झंझट नहीं रखना है। आप मैथ के लिए एक स्पेशल नोट बुक या फिर कॉपी रखेंगे, उसमें आप जो भी क्लास मेरा अटेम्प्ट करेंगे उसमें जो भी चीज आपको सिखाएंगे उसको सिलसिलेवार ढंग से नोट करना है। और अगले दिन जब आप वीडियो मेरा देखेंगे तो आप पिछले दिन जो भी आपने पढ़ा है, पिछला जो भी पढ़ा है, उसको 10 मिनट या फिर 15 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आप उस वीडियो को देखेंगे। मतलब कि पूरा एकदम प्रॉपर प्लानिंग के तहत
आपको पहले रिवीजन कर लेना है जो आपने पीछे पढ़ लिया है, उसके बाद नए वीडियो पे आना है ताकि आपको हर चीज समझ में आए और बाद में आपको जो है आगे चलकर रिवीजन वाली झंझट न रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कम समय में आपको शानदार ढंग से पढ़ना है। और ये बात अगर आप मेरी मान लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप 30 में 30 ही जरूर लाएंगे, इतना एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं, एक नंबर भी आपका कम नहीं होगा, एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली जो वीडियो प्रोवाइड करें वो 40 से 45 मिनट का हो, 40 से 45 मिनट का एक वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। और उसमें जो भी आपके रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। या फिर जब हम क्लास आपको लेंगे, कंसेप्ट क्लास जब आपको हम लेंगे, ये सारे कंसेप्ट क्लास ही हैं, जैसे 60 दिन हमने बताया ना, वो कंसेप्ट क्लास ही है। तो कंसेप्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे और कुछ आपको रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको भी रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा, ठीक है। तो बाकी सारी बातें अब आपको कल से कंटिन्यू होती रहेंगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बात हमने बताई है, समझाई है, उसको आप पे जरूर फॉलो करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास में, कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे।